गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी विच इज़ मैंशन ऑन द पेज नंबर 6 ऑफ योर मॉरल साइंस बुक. द नेम ऑफ द स्टोरी इज ट्रैवलर एंड ए ट्री. ट्रैवलर्स मीन्स द पर्सन हु इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रैवलर हम किसको बोलते हैं, वो आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. जैसे अगर कोई आदमी बिक्कीविंड से अमृतसर जाएगा तो हम उस आदमी को क्या बोलेंगे, ट्रैवलर. क्या बोलेंगे, ट्रैवलर. सो बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैवलर्स, बिकॉज इन दिस स्टोरी वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पर्सन. हम इस स्टोरी में दो आदमियों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे, ट्रैवलर्स. एंड ए ट्री, ट्री क्या होता है, पेड़. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर. इट वॉज समर. समर मीन्स गर्मी. गर्मी का मौसम था. एंड टू मैन वर वॉकिंग टू ए सिटी. दो आदमी थे जो शहर की ओर जा रहे थे. यू कैन सी इन द पिक्चर देर आर टू मैन हु आर वॉकिंग टूवर्ड्स ए सिटी. इन द सेकेंड पैराग्राफ, बाय नून इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम, इट बिकेम टू हॉट. बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई. दे वॉन्टेड टू टेक रेस्ट. अब वो दोनों क्या करना चाहते थे, आराम करना चाहते थे. सीइंग ए लार्ज ट्री नियर बाय. सीइंग मीन्स देखना, ए लार्ज मीन्स बड़ा सा, नियर बाय पास ही. उन्होंने अपने पास ही एक बड़ा सा ट्री देखा. दे सैट अंडर. सैट मीन्स बैठना, अंडर मीन्स नीचे. इट टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए. इन इट्स शेड. शेड मीन्स शाम. जब उन दोनों ने आराम करना था तो वो अपने आसपास देखने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास, जिसके नीचे बैठ के वो आराम कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक बड़ा सा ट्री देखा और वो दोनों उस ट्री के नीचे बैठ गए. ट्री की किस ये शाम के नीचे बैठ गए. आई होप यू कैन, यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज सी पैराग्राफ्स. Now move towards the next. They looked up to see if there were some fruits, but they did not find anything. They looked up means उन्होंने ऊपर देखा. क्यों देखा, to see, देखने के लिए. If there were some fruit, क्या वहाँ पे fruits हैं. But लेकिन, they did not find anything. Find means मिलना, anything कुछ नहीं. लेकिन उन्हें ट्री पे कुछ नहीं मिला. स्टूडेंट्स यू कैन सी इन द पिक्चर, हैव यू सीन द फ्रूट्स ऑन द ट्री. क्या आपको ट्री पे फ्रूट्स दिख रहे हैं, नहीं. अगर हमें नहीं दिख रहे तो सेम वे उन दो आदमियों को भी ट्री पे कोई भी फ्रूट नहीं दिखा. जब उनको ट्री पे फ्रूट्स नहीं दिखे तो उनमें से क्या, तब क्या हुआ, वन मैन सेड. तो उनमें से एक आदमी, दिस पर्सन, वो बोला, क्या बोला, व्हाट ए यूजलेस ट्री दिस इज. यूजलेस मीन्स जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, या जिसका कोई काम ना हो. या इस ट्री का, इस पेड़ का कोई भी काम नहीं है. इट डज नॉट हैव फ्रूट्स और नट्स डैट वी कैन ईट. इस ट्री का कोई काम क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास ना ही तो फ्रूट हैं और ना ही नट्स हैं जिसे हम खा सकें. जब ये आदमी वो जब इस आदमी ने देखा कि ट्री पे कोई भी फ्रूट्स नहीं है तो इसको गुस्सा आ गया. तो वो कहने लगा, इस ट्री की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये हमें खाने के लिए फ्रूट्स नहीं दे सकता. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पिक्चर, द अदर मैन सेड. जो दूसरा आदमी था, अब उसकी बात सुन के उसने क्या उसको आंसर दिया. अब वो क्या बोला, डू नॉट बी सो क्रूर. इसका मतलब है इतने भी बुरे मत बनो. ठीक है, क्रूर का मतलब होता है वो इंसान जो किसी और को काफ़ी बुरा करे और किसी को बहुत ही बुरा करे और उसका उसकी कोई वैल्यू ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रूर. ठीक है, डोंट बी सो क्रूर, इतने भी बुरे मत बनो. इट गिव अस शेड टू टेक रेस्ट. क्यों इतने बुरे मत बनो, क्योंकि ट्री ने हमें क्या दिया, शाम, जिसके नीचे हमने क्या की है, रेस्ट. एंड यू कॉल इट यूजलेस. और तुम इसे क्या बोल रहे हो, यूजलेस. यूजलेस क्या था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी. ठीक है, सो नाउ मूव टूवर्ड्स द मोरल ऑफ द स्टोरी. ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस
हैव ए गुड पर्पस। क्या मतलब है इसका, मीनिंग ऑफ दिस, इस पिक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं। इस पिक्चर में देखे हैं दो मैन हैं, ठीक है, देर आर टू पर्सन्स एंड वन ट्री। अब देखो इन दोनों को किसने बनाया है, इन दोनों को बनाया है गॉड ने, ठीक है। और गॉड की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, गॉड्स क्रिएशन। उसने बोला है कि ऑल द गॉड्स क्रिएशन, जो भी चीज़ें गॉड्स ने बनाई हैं, हैव ए गुड पर्पस, वो गॉड ने अच्छे के लिए बनाई हैं, अच्छे काम के लिए बनाई हैं। वी शुड, हमें सभी को, नेवर कंसिडर किसी को भी सम ऑफ देम बैड और इन्फीरियर, हमें उन सभी चीज़ों में से ना ही किसी को बुरा कहना चाहिए और ना ही किसी को कम समझना चाहिए। समझ आया? इस पिक्चर में हमने कौन कौन सी क्रिएशंस देखी हैं जो गॉड ने बनाई हैं, ट्री एंड मैन। लेकिन जब उनमें, जब ट्री पे फ्रूट नहीं थे, तो एक आदमी उसे क्या बुरा कहने लगा कि इस ट्री की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें ये खाने को फ्रूट्स नहीं दे रहा। लेकिन हमने स्टोरी में से क्या सीखा कि हमें किसी भी चीज़ को बुरा या कम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें किसने बनाई हैं, गॉड ने, और उन सारी चीज़ों की अपनी वैल्यू है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, हियर लेट्स स्टार्ट रीडिंग। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। वट इज़ रिटन हियर, जो गॉड है, भगवान है, भगवान ने ही सारा वर्ल्ड, सारा जहान बनाया, सारी दुनिया बनाई है। और क्या क्या बनाया भगवान ने, लविंग पेरेंट्स, मदर और फादर, मम्मा पापा बनाए हैं जो हमें बहुत सारा प्यार करते हैं। केयरिंग टीचर्स, केयरिंग टीचर्स मीन्स जो हमारा ध्यान रखते हैं। फेथफुल फ्रेंड्स मीन्स जो हमारे साथ खेलते हैं, हमारे सब हमारे साथ हमेशा अच्छा करते हैं। पावरफुल एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स बनाए हैं। ब्यूटीफुल बर्ड्स, बर्ड्स हैं जो सुंदर सुंदर बर्ड्स बनाए हैं जो स्काई में हमेशा फ्लाई करते रहते हैं। कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फ्लावर्स बनाए हैं जो गार्डन को ब्यूटीफुल बनाते हैं। टॉल माउंटेंस, माउंटेंस क्या होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं। लॉन्ग रिवर्स, नदियाँ बनाई हैं। एंड एवरीथिंग, और जो कुछ भी है, एल्स वी सी अराउंड अस आर क्रिएशंस ऑफ गॉड। और जो भी कुछ है जो हम अपनी सराउंडिंग्स में, जो भी हम आसपास देखते हैं, वो सभी भी किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता चला है कि गॉड ने क्या क्या बनाया है। गॉड ने सारी दुनिया बनाई है, गॉड ने हमारे प्यार करने वाले मम्मा पापा बनाए हैं, टीचर्स बनाए हैं, फ्रेंड्स बनाए हैं, एनिमल्स बनाए हैं लाइक डॉग, कैट, फॉक्स, लाइन, ऑल दिस एनिमल्स। बर्ड्स कौन कौन से बनाए हैं, पैरेट, क्रो, ईगल्स, पैरो। फ्लावर्स बनाए हैं जो भी हम गार्डन्स में देखते हैं। पहाड़्स बनाए हैं जो हम हिल स्टेशन पे जाके देखते हैं। रिवर्स बनाई हैं, और जो कुछ भी हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं लाइक स्काई, क्लाउड, विंड, वाटर, ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटेड बाय द गॉड्स। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द क्रिएशंस ऑफ गॉड। सो नेक्स्ट इन दिस पिक्चर, एवरी फ्रेश मॉर्निंग इज ए ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यहाँ पे क्या लिखा है, इसका क्या मीनिंग है कि जब भी हमें सुबह, मॉर्निंग सुबह हम उठते हैं, तो वो हमें गिफ्ट मिलता है। कौन दे, वो गिफ्ट किसका होता है, गॉड का, ठीक है। जो भी हमारे पास नई मॉर्निंग आती है, वो एक सुंदर सा गिफ्ट है, और वो गिफ्ट हमें किसने दिया है, गॉड ने। ओके, सो वी बिगिन इट विद ए मॉर्निंग प्रेयर। और जब भी हम सुबह उठते हैं, तो हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, प्रेयर के साथ। ओके, तो हमें अपना दिन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मॉर्निंग प्रेयर के साथ। वी कैन ऑल्सो एंड ए डे विद प्रेयर। अगर हम अपने डे की स्टार्टिंग प्रेयर के साथ करते हैं, तो हमें अपने डे का एंड, नाइट को भी किसके साथ करना चाहिए, प्रेयर के साथ। बिफोर गोइंग टू बेड, स्पेंड ए फ्यू मिनट्स टू थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। ओके, हमें सोने से पहले थोड़ी देर अपनी आइज क्लोज करके, अपने हैंड्स को ज्वाइन करके,
थैंक यू बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? गॉड को बोलना चाहिए। किसके लिए बोलना चाहिए? वो सभी चीज़ों के लिए जो उसने दी हैं। गॉड ने हमें क्या दिया है? हर रोज़ हमें क्या देता है? एक नई मॉर्निंग देता है। हमारे उन पेरेंट्स दिए हैं उसने, एनिमल्स दिए हैं, हमारी स्माइल्स दी हैं। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बाय गॉड, सो दैट्स वाई वी हैव टू गिव थैंक यू टू हिम। ओके, सी देर आर टू पर्सन्स हु आर सिटिंग ऑन द बेड एंड दे हैव जॉइन देयर हैंड्स एंड देयर आइज आर क्लोज एंड देर डूइंग प्रेयर। ओके, सो इन द सेम वे वी हैव टू डू प्रेयर एट द मॉर्निंग एंड सेम एट द नाइट टाइम टू से थैंक यू टू गॉड फॉर एवरी थिंग विच ही हैज़ गिवन टू अस। ओके, आई होप आई हैव मेड दिस लेफ्ट चैप्टर क्लियर टू यू। थैंक यू।